Student, open the page number 7. Comparing numbers. The library in a school has 10,000 books and the library in another school has 9,999 books. Which library has lesser number of books? So students, अब देखो, एक library में 10,000 book है, एक में 9,999 है, तो कौन से library में lesser books है? So when the numbers to be compared have different number of digits, the number with more number of digits is greater. Here 9,999 has lesser number of digits than 10,000. 10,000 से 9,999 क्या है? छोटा है ना? क्यों छोटा है? हमने कैसे compare किए? तो पहले हमें क्या करना है? Numbers के digits count करने हैं. इसमें 5 digits है और इसमें 4 digits है. तो जिसमें ज़्यादा digits है वो number क्या होता है? बड़ा होता है. मतलब 10,000 बड़ा है और 9,999 क्या है? छोटा है. Then second, when the numbers to be compared have same number of digits, start comparing from the digit with the highest place value till you reach a column with different digits. अब देखो क्या करना है. Suppose यहाँ पे हमें example दिया है. The average weight of an Indian elephant is 1,240 kilogram, while that of an African elephant is 1,280 kg. Which elephant is heavier? तो कौन सा elephant क्या होगा? Heavier होगा. किसका weight ज़्यादा होगा? Indian elephant का या African elephant का? तो हमें क्या करना है? ये दो numbers दिए. देखो, दोनों का comparison करना है. जो बड़ा होगा, उसका weight ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे दोनों numbers में क्या है? One digit क्या है? Same है ना?
सेम डिजिट है, और ये फोर डिजिट नंबर है, ये भी फोर डिजिट नंबर है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट लेना है आपको, तो फर्स्ट डिजिट भी सेम है। अब देखो सेकेंड प्लेस पे जाना है आपको, तो सेकेंड डिजिट भी सेम है, देन कहाँ पे जाओगे आप, थर्ड प्लेस पे जाओगे। तो टेंथ प्लेस पे यहाँ पे फोर है, यहाँ पे एट है, सो एट इज़ बिगर दैन फोर, मीन्स 1280 इज़ बिगर दैन 1240, है ना। तो यहाँ पे 1240 लेस दैन 1280, मतलब ये क्या है, अफ्रीकन एलिफेंट्स हैवी है, हेंस द अफ्रीकन एलिफेंट्स इज हेवियर। ऑल्सो रिमेंबर दैट 1240 कम्स बिफोर 1280 इन फॉरवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग में ये पहले आता है ना, सो इसलिए ये छोटा है और ये बड़ा है। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों नंबर्स की, तो दोनों में फोर फोर डिजिट सेम है। तो हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, तो फर्स्ट डिजिट भी क्या है, वन है। देन सेकेंड प्लेस पे जाएंगे, सेकेंड प्लेस पे सेकेंड डिजिट भी क्या है, सेम है, टू है। देन हम बाद में कहाँ पे गए, थर्ड डिजिट पे गए हैं, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे एट है, सो एट इज़ बिगर देन फोर, दैट्स वाई दिस नंबर इज़ बिगर देन दिस, ओके। अब देखो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, वो आपको करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लास वर्क डेट एंड गिव टॉपिक नेम, सॉरी, एंड यू हैव टू राइट टॉपिक नेम कंपेयरिंग नंबर्स, ओके। अब देखो कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग दिस साइन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ओके। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने टू टू नंबर्स दिए हैं, ये 10 एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, तो आपको इनका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है अच्छे से, और ये आपके नोटबुक में क्या करने हैं आपको, सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करोगे, इनका कंपैरिजन करना है आपको सिर्फ सिंपली साइन देके। सपोज ये फोर डिजिट नंबर है, ये थ्री डिजिट नंबर है, विच इज़ द ग्रेटर नंबर, दिस नंबर, सो आप ये साइन दोगे। फिर से वैसा ही है तो आप करोगे, देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एट है, यहाँ पे सेवन है ना, दोनों फोर डिजिट है, तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, फर्स्ट डिजिट देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट एट है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट सेवन है, सो विच इज़ द ग्रेटर, एट इज़ ग्रेटर, ओके। ऐसा आपको देखते जाना है, ठीक है, और ये एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं, ओके स्टूडेंट। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।